दो मई को जनपद के 20 विकास खंडों पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, जिसको लेकर मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी 20 केंद्रों पर पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि विकास खंड पर जगह की कमी होने के कारण इस बार स्कूलों और कॉलेजों में बड़े स्तर पर मतगणना कराई जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और मतगणना केंद्र पर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। जिलाधिकारी ने कहा कि मतगणना कार्मिकों और उम्मीदवारों के एजेंटों को कोविड का जांच कराना अनिवार्य होगा, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा वही मतगणना में शामिल हो सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा, पंचायत चुनाव में क्या है उसको पूरा तैयारी है। आप देख रहे हैं जो ट्रेनिंग हम लोग करा चुके हैं जो काउंटिंग स्टाफ का, और उसका जो नियमानुसार जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कराते हुए हाई कोर्ट का डायरेक्शन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए हम लोग करा रहे हैं। उस पर जो ट्रेनिंग से लेके काउंटिंग के लेके जो पिछले बार काउंटिंग जो हर ब्लॉक में होता है, इस बार ब्लॉक के हट के हम लोग दूसरा बड़ा विस्तार जगह लिए हैं, कई इंटर कॉलेज लिए हैं, कई कॉलेज लिए हैं, और जो पहले से जो एक आदमी के सामने जो 10-15 लोग बैठ जाते थे उसको भी संख्या कम किए हैं, और उन लोगों का जो एजेंट है कितने लोग हैं उन लोगों का टेस्ट के लिए भी हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग टेस्ट करके आ जाएं, और हमारा कर्मचारी कितने लगाएंगे उनको भी हम लोग जाँच करा के टेस्ट करा के लगाएंगे ताकि ये कोरोना का जो संक्रमण किसी के ऊपर ना आ जाए।